पार्टनरशिप की मीनिंग समझते हैं। वैन टू और मोर पार्टनर्स, देखो दोस्तों एक चीज़ समझना, पार्टनरशिप फर्म में कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए, क्योंकि एक इंसान अपने आप का पार्टनर नहीं बन सकता, तो पार्टनरशिप में कम से कम दो ओनर होने ज़रूरी हैं। तो दो पार्टनर और मैक्सिमम 50 तक, मतलब पार्टनरशिप फर्म में दो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, 3, 4, 5। पार्टनरशिप फर्म में जो ओनर होते हैं, जो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उनको पार्टनर कहा जाता है, और पार्टनर मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। 51 पार्टनर नहीं हो सकते। अगर 51 पार्टनर हो जाएंगे तो वो इलीगल एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब अब समझना, व्हेन टू और मोर पार्टनर्स आर एग्री टू कैरी अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड शेयर द प्रॉफिट अर्न बाय देम, जब दो या दो से अधिक पार्टनर किसी बिजनेस को चलाने के लिए सहमत एग्री होते हैं, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म में आपको कुछ बातें याद रखनी है, पहले तो दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए, दूसरा उन सब ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी हो, है ना, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ हो, मतलब तीसरा हो गया आपका कि उनके बीच में बिजनेस होना चाहिए, मतलब विदाउट बिजनेस देर इज़ नो पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप ना बिजनेस के अलावा किसी और चीज़ के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। और बिजनेस कौन सा होता है, लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो केवल पार्टनरशिप जो होती है बिजनेस में ही होती है, और बिजनेस कौन सा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और चौथा मैंने बताया है कि उनके बीच में ना एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट कमाना मोटिव होना चाहिए। विदाउट प्रॉफिट मोटिव देर इज़ नो पार्टनर मीन्स नो पार्टनरशिप, मतलब बिना प्रॉफिट मोटिव के ना तो पार्टनर होगा और ना पार्टनरशिप होगी। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको पार्टनरशिप की मीनिंग समझ आ गई। पार्टनरशिप के मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स या फीचर बताए हैं, इनको याद कर लेना आप दोस्तों। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं, एक ना जब पार्टनर्स आपस में मिलते हैं, पार्टनरशिप हम स्टार्ट करते हैं, तो आपस में ना कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं, तो उन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ज़रा ध्यान से समझना, जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स दो तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है ओरल, एक हो सकता है रिटन। तो जो ओरल होता है कि आप और आपका पार्टनर मिलके बिजनेस शुरू करते हैं, आपने डिसाइड करा कि भाई जो प्रॉफिट होगा 50% तेरा 50% मेरा, दैट इज़ ओरल। दूसरा होता है रिटन, नहीं आप ना जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं आज उसको लिख लो, क्योंकि लिखना सही रहता है, बाद में आपके बीच में आपस में कोई डिस्कार्ड कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होगा ना वो आपके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई खुदा ना खासा लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें आपका जो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपका ना एक तरह से एविडेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब रिटन हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मीन्स रिटन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है दोस्तों, याद